गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह के बज रहे हैं 5 और हम उठ गए हैं और पैकिंग हो गई थी कल रात को, थोड़ी बहुत ही करनी थी बस। अब हम जल्दी से रेडी हो जाएंगे, फिर हमें जाना है रेलवे स्टेशन। हम लेंगे गाज़ियाबाद वाले रेलवे स्टेशन से, मेरी आंखें अभी खुल भी नहीं रही है। जल्दी से रेडी होती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, हम लोग हो गए हैं रेडी, नेगी जी लगा रहे हैं पीछे ताला और कैब भी आ गई है नीचे। बस अब हम जल्दी से नीचे पहुँचेंगे कैब में और आपको मिलेंगे रेलवे स्टेशन में, क्योंकि हमारी ट्रेन है आई थिंक 7:20 की। और ये रहे नेगी जी, 7:20 की ट्रेन है। मेरा मास्क मेरे हाथ में है, बस अब मैं मास्क पहनूंगी और हम लोग नीचे मिलते हैं आपको। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं सफ़र स्टार्ट। आज हम जा रहे हैं ट्रेन से, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को ट्रेन जर्नी या कैब जर्नी या कोई और जर्नी, कौन सी जर्नी पसंद है। किसी को फ्लाइट में जाना पसंद होता है, किसी को ट्रेन से जाना बहुत पसंद होता है, और किसी को तो आदत होती है कि उन्हें हर जगह गाड़ी से ही जाना है। तो आप कौन सी वाली कैटेगरी में आते हैं मुझे ये ज़रूर बताइएगा। और हम लोग पहुँच गए हैं गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन में। हमारे घर के नियर में गाज़ियाबाद वाला ही रेलवे स्टेशन पड़ता है। वैसे ये ट्रेन जो है ना, ये न्यू दिल्ली से बनकर आती है और आज हम जा रहे हैं देहरादून। तो आपको दिख रहा होगा देहरादून शताब्दी का यहाँ पे अनाउंसमेंट हो रहा है। और भीड़ आप देखिए, इतनी भीड़ थी ना, मतलब हमें बड़ी मुश्किल से यहाँ की टिकट मिली है, वो भी हमने तत्काल में करी थी। एंड बस यहाँ पर नेगी जी खड़े हैं सामान लेकर, और सुबह का टाइम है तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी खिली खिली सी धूप आ रही है। तो बस अब हम लोग वेट कर रहे हैं, यहाँ पे एक के बाद एक ट्रेन आ रही है, क्योंकि एक छोटा ही स्टेशन है, ज़्यादा बड़ा स्टेशन नहीं है, तो सेम ट्रैक में ही मतलब बार बार ट्रेन आती रहती है। तो अब हमारी शताब्दी एक्सप्रेस आ चुकी है और ये देखिए हमारी ट्रेन को अब मैं ऐसे कह रही हूँ जैसे मैंने ही ट्रेन खरीद ली होगी, पर ऐसा नहीं है, ये है हमारी भारतीय रेल। और बस हम शताब्दी एक्सप्रेस की टिकट बुक करी थी हमने, एंड मुझे ट्रेन जर्नी बहुत पसंद है। संदीप और मुझे दोनों को ही ट्रेन जर्नी बहुत पसंद है। तो हालांकि पहले मैंने इतनी ट्रेन जर्नी नहीं करी है। तो देखिए हम लोग स्टेशन में खड़े हैं, आप देख सकते हैं, आप हमारे आसपास भी देखना, आपको बहुत भीड़ दिखेगी। एंड मेरे पीछे ये है ट्रेन, अभी ट्रेन आ ही रही है। और बस अब हम लोग चलेंगे ट्रेन के अंदर और अपनी सीट ढूंढेंगे। सबसे बड़ा काम होता है सीट ढूंढना। और आप मुझे बताना कि किसके साथ ऐसा होता है कि आपकी सीट में पहले से कोई बैठा होता है, क्योंकि हमारे साथ तो ऐसे ही हुआ था, कोई पहले से बैठा हुआ था बट वो उठ गए थे, क्योंकि वो वैसे ही बैठे होंगे। बहुत लोगों की टिकट कंफर्म नहीं हुई थी, तो वो लोग थोड़ा होता है ना कि बैठ जाते हैं अगर कि वेटिंग लिस्ट में होते हैं, अगर कोई नहीं आएगा तो उनकी कन्फर्म हो जाती है। तो बस अब हम लोगों की सबसे लास्ट वाली सीट थी, नंबर 3 और 4। तो लकीली अच्छा रहता, मुझे तो सबसे लास्ट वाला पहली बार मिला है तो अच्छा लगा हमें। तो देखिए अब हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं और फाइनली अब हम लोग देहरादून जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं सब लोग शांति से बैठ गए हैं। अब ये शांति कितनी देर की होगी, क्योंकि ट्रेन में ना बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, काफ़ी फैमिलीज ट्रेवल करती हैं, तो सब बात करते करते जाते हैं। पर कोविड की वजह से काफ़ी पहले से चेंजेस हैं, मतलब बहुत शांति। और आप देख सकते हैं कि हमारी ट्रेन चलने लग गई है गाज़ियाबाद से। एंड मुझे तो ना ट्रेन में बैठ के ही बाहर का नज़ारा देखना बहुत अच्छा लगता है। और सबसे बेस्ट पार्ट था कि शताब्दी आप बुक करेंगे ना, तो देखिए आपको बैठते ही सबसे पहले सुबह 7 बजे चाय मिलेगी। और ये मुझे सबसे अच्छा पार्ट लगता है, क्योंकि ना सब लोग इतनी हरी में आते हैं भाग दौड़ के कि चाय वगैरह मिस कर देते हैं। तो बस इस अच्छे से नज़ारे के साथ मैं अपनी चाय को इन्जॉय कर रही हूँ। और मैंने ये जो डिप वाली चाय है ना, वैसे जनरली हमें इतनी नहीं पसंद आती, बट मजबूरी में पी लेना चाहिए, हम पी लेते हैं। पर सबसे अच्छी चीज़ थी ना कि आपको मिल जाती है जो चीज़ें, सहूलियत इसे कहते हैं। एंड बस इसी के थोड़ी ही देर में अभी हमारा ना ब्रेकफास्ट भी आ जाएगा। तो शताब्दी में हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह भी था। संदीप का नॉन वेज है जिसमें ऑमलेट ब्रेड, एंड मेरा वेज है जिसमें आपको कटलेट, ब्राउन ब्रेड, वेजीज भी दिख जाएंगी, एंड केचप है, और एक जो है ना वो है बटर है, वर्का का बटर है। मैंने फर्स्ट टाइम इसका बटर ट्राई किया है। एंड फ्रूटी भी दी है उन्होंने, एंड संदीप पियेंगे कॉफ़ी, उन्होंने फ्रूटी नहीं ली है। एंड हम इतनी जल्दी सहारनपुर पहुंच गए थे ना, तो आधी से ज़्यादा भीड़ मुझे लग रहा है सहारनपुर उतर गई है। मेरे को पहली बार लगा कि इतने लोग सहारनपुर के लिए ही बैठे थे बस। तो यहाँ से ट्रेन थोड़ी खाली खाली ही गई है, बट इसके बाद ना सहारनपुर के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि हरिद्वार में भी बहुत ज़्यादा लोग उतरे हैं। मतलब उसके बाद तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ट्रेन में बहुत ही कम लोग बैठे हैं। तो
तो आप लोग बताना कि आपको ट्रेन जर्नी कैसी लगती है। ट्रेन जर्नी होती तो बहुत अच्छी है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर आप देखें तो एक तरीके से आप कितने लोगों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, अच्छा भी लगता है खिड़की से बाहर देखते हुए जाना। एंड शताब्दी की विंडोज़ ना काफ़ी बड़ी होती हैं, एंड उनमें वो भी होता है जैसे कर्टेन्स वगैरह होते हैं ना लगाने के लिए, आप वो भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे हमारा पानी भी रखा है, तो आपको शताब्दी में सब कुछ मिलेगा। एंड ये सारी भीड़ अब जो है ना हरिद्वार में उतर रही है, और आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट हमारा पूरा बोगी खाली है, बहुत कम लोग बैठे हैं। और ये देखिए नेगी जी मेरी सीट में बैठ गए, मैं कह रही हूँ आप मेरी सीट में बैठ गए हो, उन्हें विंडो सीट लेनी थी, पर मुझे भी विंडो सीट ही पसंद है। बट ये देख सकते हैं आप इतना खाली हो गया ना, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी थोड़ा सा बाहर का नज़ारा लेकर आऊँ ट्रेन में, क्योंकि हरिद्वार में थोड़ी देर के लिए रुकी थी ट्रेन। एंड हरिद्वार का ये जो रेलवे स्टेशन है ना बहुत ही क्लीन है। अब नेगी जी को देखो, ये भी उतर गए यहाँ पे बाहर देखने के लिए, और मैं बोल भी रही हूँ अंदर। हरिद्वार का रेलवे स्टेशन बहुत ही क्लीन है जैसा कि आप देख सकते हैं, और नेगी जी बाहर चले गए हैं, अंदर आ जाओ भाई। बस अब ट्रेन फिर से चलना शुरू हो जाएगी, और इसके बाद तो आप देख सकते हैं कि जैसे ना हरिद्वार क्रॉस कर, तो ये सब शुरू हो जाता है। और सबसे पहले आया मोतीचूर, और मुझे ना ये मोतीचूर हमेशा जब भी मैं पढ़ती हूँ ना तो मुझे ऐसे फील होता है जैसे यहाँ पक्का मोतीचूर के लड्डुओं का बनने का इन्वेंशन यहीं से हुआ होगा। एंड बहुत ही क्यूट सा नाम है, छोटा सा स्टेशन है मोतीचूर। और अब मैं बैठे बैठे इतना बोर हो रही हूँ कि मैं अपने जूतियों को देख रही हूँ, जो मैं आज जीन्स के नीचे जूतियाँ ही पहन के आ गई हूँ। और आप देख सकते हैं कि अब जो है ना वाला वाला सिस्टम शुरू हो गया है, राय वाला, डोए वाला, ये सब शुरू हो गया, तो बहुत जल्द हम देहरादून पहुँच जाएंगे। बस अब जो जर्नी है ना, अब इसमें हमारा जो बुगी थी उसमें बहुत कम लोग थे, एंड एक बच्चा था वो अपनी मम्मी को बार बार उठा रहा था कि मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना है। तो बस मतलब मेन चीज़ होती है ना वो रेलवे में ये होती है कि आपको इतने लोग मिलते हैं, कई कई टाइप के लोग मिलते हैं, तो वो जो जर्नी होती है वो स्पेशल बन जाती है। एंड जर्नी कब एंड हो जाती है पता ही नहीं चलता है। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं, मास्क लगा लेते हैं पहले मास्क लगाना है ज़रूरी। जैसा मैं बोल रही थी कि जर्नी आपकी बहुत स्पेशल हो जाती है बहुत लोगों के साथ। कोविड के चक्कर में आप बहुत कनेक्शन नहीं बना पाते किसी के साथ, बट होता है। देख सकते हैं आप कि हम लोग पहुंच गए हैं देहरादून रेलवे स्टेशन में। एंड देहरादून का रेलवे स्टेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही क्लीन है सफाई के मामले में, छोटा है बट बहुत अच्छा है। और यहाँ बाहर आके तो इतनी धूप हो रही है ना, बहुत तेज़ धूप थी देहरादून में, इनफैक्ट दिल्ली में भी इतनी धूप थी बट यहाँ ज़्यादा तेज़ धूप लग रही थी। एंड हमने ऑटो किया है क्योंकि ऑटो हमें जल्दी मिल गया था, कैब बहुत दूर थी। फाइनली हम लोग घर पहुंच गए हैं, आप देख सकते हैं संदीप अंदर सामान ले जा रहे हैं। ये हमारा घर है देहरादून वाला, तो काफ़ी लोगों ने पहले भी देखा होगा वीडियो में। नमस्कार, यही बस बढ़िया स्नेहा रावत नेगी, स्नेहा रावत नेगी पहुंच गए, शुरू हो जाता है। भाई नमस्ते, नमस्ते। और अब यहाँ बैठ के ना मैं कर रही हूँ दादी जी के चश्मे की सफाई, क्योंकि दादी जी बोल रही थी कि मुझे थोड़ा धुंधला दिख रहा है आंखों से, तो हमें लगा कि शायद कुछ टाइम पहले ऑपरेशन हुआ था तो उस वजह से ही बोल रही हूँ। पर मैंने देखा तो चश्मे के जो ग्लासेस थे ना उनमें बहुत गंदगी लगी हुई थी। अब जैसे ही साफ किया ना तो दादी कह रही हाँ अब मुझे बहुत साफ दिख रहा है। तो फ्रेंड्स जरा जयदीप, जयदीप भाई, जयदीप तो आ गया था देहरादून पहले, और दादी जी से मिलवाते हैं। दादी जी से संदीप ने तो मिलवा ही दिया है, दादी जी को लग गया चश्मा, दादी जी जरा तैयार हो रही है लोगों से मिलने के लिए। दाई सबको हेलो बोल दो, हेलो हेलो। अब दादी से अच्छे से बात करवाएंगे सबको, अभी तो सब खाना खाने के लिए तैयार हो रहे हैं, बस चल रहा है। ये रही गुड़िया, हाय गुड़िया, बोरी मम्मी जी, काफी लोगों ने देखा नहीं है मम्मी को, मम्मी एक बार देख लो इधर, काफियों ने देखा भी होगा काफियों ने नहीं देखा है। Hello, तो गाइस ये रही मेरी सासू माँ, देख लो आज मिल लो, कैसे हो आप, नमस्कार।
मम्मी ने बना रखा है खाना, इसमें चावल, इसमें पकोड़े और दाल। ये कौन से पकोड़े बन रहे हैं? दाल के और ये रायता। बगीचे में उगाई है? क्या क्या है ये? इसको बोलते बांगले गाइस। अच्छा ये है, ये बांगले जो है ये है, हमने दिखाने के लिए रखे हैं। एक बार और बोलो गाइस। गाइस ये बांगला है जिसकी सब्जी के डोंगे में हमने रखी हुई है, हमारे बगीचे में उगती है तो हम आजकल काफी इसको ही खाते रहते हैं ज्यादा अच्छी। ये हमारे पिताश्री। आगे मुझे घने क्यों रखे हैं? कुछ लगाया आपने? अच्छा ठीक है। अब पापा देखते रहते टीवी न्यूज चैनल। और फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हैं लंच वगैरह के बाद हम कर रहे हैं डाइनिंग टेबल में बैठ के बातें, तो बस ये बातों का सेशन ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसी के साथ हम करते हैं वीडियो का आज का एंड, और आपको मिलेंगे कल नेक्स्ट नई वीडियो में। आज सिर्फ जर्नी के साथ ही इसको एंड कर रहे हैं, तो जो भी मेरे चैनल में न्यू है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करना। बाय। और हम देहरादून पहुंच गए हैं। बाय।